want justice. We want justice. नया सिलसिला इन्हें शुरू किया है, हर एक को घर से उठाना, जिसको मर्जी जेल में बंद करना, एनकाउंटर करना। दे वेर किल्ड इन कोल्ड ब्लड एंड लुक एट द इनसेंसिटिविटी, लुक एट द शेमलेसनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट कि इनकी डेड बॉडी तक इन्होंने पकड़ के रखी है। मैं एलजी मनोज सिन्हा को कहता हूं, क्या आपके यूपी में यह रिवाज है कि आप किसी के बच्चे को शहीद कर दोगे उसके बाद लाश भी नहीं दोगे? क्या इतनी मजबूरी थी कि रात के अंधेरे में इनको राजवार हंदवारा में दफनाने की जरूरत थी? उन बच्चों को क्यों नहीं मॉर्टल रिटर्न्स रिटर्न किए गए फैमिली को? ये राइट्स खाली मुसलमानों में नहीं है, हर एक रिलीजन में है। 13 साल से ये अपने बिजनेस में लगा रहा और इतना अच्छा बिजनेस इसने किया। अगर ये वहाँ पर मिल्टन सुखा अड्डा बनाता था, क्या ये करोड़ों रुपए का वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता था? अच्छा, अब और उस चीज और उस जगह पर है जहाँ पर 16 घंटे आरोपी लगी रहती है और आरोपी इसी की दुकान पर बैठे हैं और उनके साथ इसका दोस्ताना होता था। अब ये मतलब हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे? यहाँ पर किसकी सेफ्टी है? हमें समझ में नहीं आता ये हिंदुस्तान की कौन सी पॉलिसी है, यह आरएसएस की कौन सी पॉलिसी है कि बच्चों को उठाओ, इनको कत्ल करो, फिर इनको लाश तक न दे दो। मतलब इससे कौन सी स्टेबिलिटी रहेगी? हम अपने बच्चों मतलब यहाँ कश्मीर का मतलब कौन से जुर्म किए इतने कश्मीर कि अब यहाँ पर किसी की सेफ्टी नहीं है? जब अल्ताफ साहब सेफ नहीं है, जिसकी मतलब हम तो फिर भी घूमते रहते हैं। मैं ठेकेदार हूँ, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, लेकिन अल्ताफ साहब का आंगन तो इतना ही था, हैदरपुरा से बरसला, बरसला से हैदरपुरा। जब इसकी सेफ्टी नहीं और खुद 3 दफा उसको चढ़ाया ऊपर तलाशी के लिए और पुलिस का ये कहना कि रात भर वहां शैलिक रही, 2.5 किलोमीटर दूर है यहां से हैदरपुरा, कोई भी एक सबूत दे दे कि 10 गोली के बगैर वहां कुछ हुआ। 15 मिनट में उन्होंने सारा ऑपरेशन खत्म कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियां चली है और उसके बाद ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते हैं। अब हम किसको बताएं? मतलब आईजी साहब यहां के बड़े हैं, वो जिसको चाहता है जो लेबल देता है वो दे सकता है। अभी हम यहां पर आए थे और हमने यही बात कही थी कि दो हमारे डिमांड्स हैं, एक तो इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर जो है पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंस है तो उनको घर वालों को सामने आकर देने चाहिए कि ताकि अगर उनके पास कोई सच्चाई है तो घर वालों को भी पता चले, क्योंकि घर वाले बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि ह्यूमन शील्ड बनाई गई थी और ह्यूमन शील्ड का दावा करना है बहुत बड़ी बात है। उनकी जो है जितनी भी चीज़ें हैं उन पर जो है तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी हमारी ये डिमांड है, बार बार हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है ये प्रॉपर्टी है घर वालों की और प्रॉपर्टी जो घर वालों की प्रॉपर्टी है बॉडीज, वो घर वालों को हैंड ओवर करनी चाहिए। दुनिया भर में हमने कहीं पर भी ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा, कोई ऐसा आइन नहीं देखा, कानून नहीं देखा जो बॉडीज जो है घर वालों को हैंड ओवर नहीं करती। जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की बात करते हैं, बार बार फैमिली ये कहती है कि 5 या 10 लोग जो हैं वो फुरनल में रहेंगे, खाली हमारा मकसद इतना कि बॉडी जो है वो हमारे जो ग्रेवी यार्ड है वहाँ पर जो है दफन की जाए ताकि उसके बाद जब भी घर वाले चाहें वो जाकर वहाँ जो भी उनके घर वाले हैं उनको याद कर सकें, जो भी उनकी जान गई है उनको जहाँ पर जाकर जो है देख सकें, उनकी कब्र पर जाकर बैठ सकें। तो बार बार हम ये बात कहते हैं कि इन केसों की जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी हम अपनी सोसाइटी में पीस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम आगे नहीं बढ़ सकते।